हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीकली एनालिसिस ऑफ फॉरेक्स गोल्ड एंड सिल्वर। दोस्तों, आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिएगा। मार्केट आवर्स पे गोल्ड और सिल्वर के रिगार्डिंग अपडेट्स व्हाट्सएप पे मिलता रहेगा। और दोस्तों, आप लोग साथ में लाइक, कमेंट और शेयर करके हम लोगों को मोटिवेट भी करते रहिएगा। दोस्तों, डॉलर इंडेक्स के डेली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं प्राइस में कंटिन्यूअसली लोअर हाइज एंड लोअर लोस का फॉर्मेशन हो रहा है और उसी हिसाब से दोस्तों एज पर डेली चार्ट प्राइस में वीकनेस दिख रहा है। दोस्तों, डेली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 103 से 103.30 का जो रेंज है ये प्राइस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन गया है। और दोस्तों, डेली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 102 से 102.20 का जो रेंज है ये प्राइस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन गया है। दोस्तों, डेली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं प्राइस का वीकली क्लोजिंग था 102.40 के पास। हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 102 से 102.20 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन ब्रेक कर देता है और इसके नीचे डेली बेसिस पे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल फॉर्म करता है, तब जो है डॉलर इंडेक्स में स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल दिख सकता है। उसी हिसाब से गोल्ड और सिल्वर में और भी स्ट्रॉन्ग अपमूव दिख सकता है। दोस्तों, आने वाले समय में अगर प्राइस 103 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर डेली बेसिस पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म करता है, तब जो है फिर से डॉलर इंडेक्स में स्ट्रॉन्ग अपमूव दिख सकता है और उसी हिसाब से गोल्ड और सिल्वर में करेक्शन दिख सकता है। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है, रशिया और यूक्रेन के बीच जो बॉर्डर पे टेंशन चल रहा है ये गोल्ड और सिल्वर को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है। दोस्तों, इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जो टेंशन चल रहा है ये भी गोल्ड और सिल्वर को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर ईस्टर्न यूरोप पे या मिडिल ईस्ट पे कोई भी वॉर एस्केलेट होता है, तब जो है गोल्ड और सिल्वर में और भी ज्यादा अपमूव दिख सकता है। इस हिसाब से दोस्तों डॉलर इंडेक्स का मूवमेंट और जियोपॉलिटिकल न्यूज गोल्ड और सिल्वर के लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। दोस्तों, अभी हम लोग फॉरेक्स गोल्ड का एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बाद फॉरेक्स सिल्वर का एनालिसिस करते हैं। तो फॉरेक्स गोल्ड के 4 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं लास्ट वीक गोल्ड में स्ट्रॉन्ग अपमूव दिखा और उसी हिसाब से दोस्तों फॉरेक्स गोल्ड और सिल्वर का प्रीवियस टारगेट हिट हो गया है। फॉरेक्स गोल्ड के 4 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं गोल्ड का वीकली क्लोजिंग था 2507 के पास। हिसाब से दोस्तों प्राइस ने 2500 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया है। 4 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं प्राइस में डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है। दोस्तों, 2500 के नीचे 2480 गोल्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है और दोस्तों 2480 के नीचे 2470 और 2470 के नीचे 2460 गोल्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। दोस्तों, 4 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं हायर लेवल पे कोई भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है और उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 2500 के ऊपर सस्टेन करता है और इसके ऊपर 4 आवर के चार्ट पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म करता है, तब जो है हम लोग लोअर लेवल पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के हायर लेवल पे 2550 के लेवल के लिए आने वाले समय में ट्रेल कर सकते हैं। और दोस्तों, आने वाले समय में अगर प्राइस 2550 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर देता है, इसके ऊपर 4 आवर के चार्ट पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म करता है, तब जो है हम लोग हायर लेवल पे 2600 के लेवल के लिए आने वाले समय में ट्रेल कर सकते हैं। और दोस्तों, आने वाले समय में अगर प्राइस 2500 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक कर देता है और इसके नीचे 4 आवर के चार्ट पे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल फॉर्म करता है, तब जो है हम लोग 2520 के पास स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के लोअर लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और उसी हिसाब से दोस्तों 2500 के नीचे 2480, 2470 और 2460 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और दोस्तों, आने वाले समय में अगर प्राइस 2460 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी ब्रेक कर देता है, तब जो है हम लोग लोअर लेवल पे 2440 और 2440 के नीचे 2420
और 2400 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, फॉरेक्स गोल्ड का कंप्लीट एनालिसिस तो फॉरेक्स सिल्वर के 4 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं। सिल्वर का वीकली क्लोजिंग था $29 के पास, और दोस्तों 4 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं लास्ट वीक में सिल्वर में कंटिन्यूअस अप मूव दिखा। दोस्तों फॉरेक्स सिल्वर के 4 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 2880 सिल्वर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है, और दोस्तों 2880 के नीचे 2850 सिल्वर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। दोस्तों फॉरेक्स सिल्वर के 4 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 2930 से 2950 का जो रेंज है यह प्राइस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन गया है। इसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस $29 के ऊपर सस्टेन करता है और इसके ऊपर 4 आवर के चार्ट पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म करता है, तब जो है हम लोग लोअर लेवल पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के हायर लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और उसी हिसाब से दोस्तों $29 के ऊपर 29.30 से 29.50 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 29.50 का बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर 4 आवर के चार्ट पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म करता है, तब जो है हम लोग हायर लेवल पे $30 और $30 के ऊपर 30.50 से $31 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 28.80 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक कर देता है और इसके नीचे 4 आवर के चार्ट पे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल फॉर्म करता है, तब जो है हम लोग हायर लेवल पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के लोअर लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और उसी हिसाब से दोस्तों 28.80 के नीचे 28.50 और 28.50 के नीचे $28 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस $28 का बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी ब्रेक कर देता है, तब जो है हम लोग लोअर लेवल पे 27.50 और 27.50 के नीचे $27 के लेवल के लिए आने वाले समय में ट्रेल कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों फॉरेक्स सिल्वर का कंप्लीट एनालिसिस। आशा करता हूँ आज का एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।